आज का हमारा टॉपिक है सीरम, फेस सीरम क्या है, फेस सीरम कौन सी स्किन टोन पे कौन सा सीरम सूटेबल होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल है, तो आपके लिए कौन सा सीरम सही रहेगा। सीरम हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, कोमल रखता है। सीरम हमारी स्किन को हेल्दी और कोमल रखने वाला पदार्थ है। सही सीरम लगाने से आपकी स्किन पे, जहाँ जो हमारी स्किन होती है उस पे रिंकल्स, डार्क स्पॉट लाइट हो जाते हैं, यानी हल्के हो जाते हैं। स्किन के अंदर कोलेजन होता है, स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। जो स्किन होता है, स्किन के अंदर सीरम जाता है और कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन लाइट होती है। सीरम हमारी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। जो हमारी स्किन पे धूप लगती है, जो धूप से हमारी स्किन जलती है, उसको जलने से बचाता है। धूप में जाने से पहले अगर आप फेस सीरम लगा लेते हैं, अगर आप फेस सीरम लगाते हैं या फिर जो फेस सीरम होता है, सीरम के साथ SPF मिलता है। बहुत सारे फेस सीरम ऐसे हैं जो फेस सीरम के साथ SPF मिलता है। धूप में जाने से पहले अगर आप उसको फेस सीरम को लगा लेते हैं, तो धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। स्किन में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। किसी किसी की स्किन आप लोगों ने देखा होगा कि स्किन तो बहुत गोरी है, लेकिन बहुत स्किन बहुत डल दिखता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है उस स्किन में। तो सीरम जो होता है वो हमारी स्किन में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है और कोमल रहती है। जो फेस सीरम होता है वो पाराबेन फ्री होता है। पाराबेन होता क्या है, आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रीम सीरम आपने देखा होगा जिसमें हमेशा लिखा रहता है कि पाराबेन फ्री होता है। पाराबेन एक केमिकल होता है जो क्रीम सीरम के अंदर डाला जाता है, ताकि सीरम या फिर क्रीम या फिर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग चले। तो ये पाराबेन फ्री है, इसमें ये सिलिकॉन फ्री भी है, मिनरल ऑयल फ्री है और टॉक्सिन फ्री है। ये ऑल स्किन टाइप है। जो सीरम होता है वो ऑल स्किन टाइप होता है। आपकी एज कितनी है, सीरम लगाने की एज कितनी होती है, कौन सी एज से आप सीरम लगा सकते हैं, तो 20 से सीरम लगाना 20 ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका एज 20 है, 20वां चल रहा है, तो आप अभी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अभी से फेस सीरम लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 20 से 30 साल के बीच में अगर आप फेस सीरम लगाते हैं, तो आपकी स्किन बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। 20 साल के बाद सीरम लगाने की कोई एज नहीं होती है, आप 20 साल के बाद सीरम कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सीरम बता देती हूँ, कुछ सीरम के नाम बता देती हूँ। विटामिन सी सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नियासिनमाइड सीरम, रेटिनॉल सीरम। मैं आपको कुछ सीरम के नाम बता दी हूँ फ्रेंड। तो चलिए हम आपको बताते हैं विटामिन सी सीरम होता क्या। विटामिन सी सीरम लगाने से हमारी स्किन में बेनिफिट क्या है। विटामिन सी सीरम स्किन पे डायरेक्ट यूज करने से क्या क्या होता है। स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर आप विटामिन सी सीरम को स्किन पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन की बीच वाली लेयर जो डर्मिस होती है, हमारे स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, डर्मिस, हिपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो हमारे बीच की वाली लेयर होती है डर्मिस, वो मोटी हो जाती है। अगर आप स्किन पे डायरेक्ट फेस सीरम यूज करते हैं, तो स्किन में कोलेजन प्रोटेक्शन बढ़ा देता है, जिससे स्किन की बीच वाली लेयर मोटी हो जाती है। जो आपके फेस पे रिंकल्स बन रहे हैं, छुर्रियाँ बन रही हैं, उसको हटाती है, स्किन में लाइट लाती है, स्किन में लाइट लाती है और स्किन को ब्राइट बनाती है। ये स्किन में मेलानिन रंग बनने वाली सेल का प्रोडक्शन रखता है, जिससे दाग धब्बे मिट जाते हैं। ये पावरफुल एंटी सीरम है। ये पावरफुल एंटी होने के कारण ये हमारी स्किन को सनलाइट से बचाता है।
ये सीरम पावरफुल एंटी है। ये पावरफुल एंटी होने के कारण हमारे स्किन से जो सन रे आते हैं, जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उसको ख़राब होने से बचाता है। स्किन में हेल्दी सेल्स बनने में मदद करता है। ये सीरम स्किन की हेल्दी सेल्स बनने में मदद करता है। इसका प्रोसीजर क्या है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? विटामिन सी एक एसिड है जिसको आप नाइट में भी यूज कर सकते हैं और डे में भी यूज कर सकते हैं। रात में सोने से पहले फेस को क्लीन करके उसके बाद फेस को टॉवल ड्राई कीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीरम लगाने के आधे घंटे बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। सीरम ये स्किन के अंदर के पानी को बाहर निकालने से रोकता है। जो हमारी स्किन में पानी होता है, जो हमारी स्किन की नेचुरल ऑयल होती है, उसको अंदर से बाहर निकालने से रोकता है। इससे त्वचा प्लम और यंग दिखता है। ये ओपन पोर्स को हमेशा बंद रखता है और फाइन लाइन रिंकल्स को दिखाई देने से रोकता है। इससे रिंकल्स और फाइन लाइन्स कम दिखाई देता है। इस सीरम को हमेशा गीली स्किन पर लगानी चाहिए क्योंकि ये मॉइस्चराइजर को आपकी स्किन के अंदर पहुँचाने में मदद करता है। ड्राई स्किन पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो हमारे अंदर की मॉइस्चराइजर होती है उसको ये बाहर खींच लेता है और स्किन को ड्राइनेस कर देता है। तीसरा टॉपिक है नियासिनमाइड सीरम। ये विटामिन सी के पूरक होता है। ये विटामिन सी का उल्टा होता है, ये विटामिन सी का पूरक होता है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, रिंकल्स हैं, तो ये स्किन में डीपली हाइड्रेट करता है। स्किन में डीपली जाके स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को फेयर बनाता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं फ्रेंड। चौथा है रेटिनॉल सीरम। ये एक एक्सफोलिएटर है, सीरम है। एक्सफोलिएटर होता क्या है फ्रेंड? एक्सफोलिएट जैसे जो आप स्क्रबिंग करते हैं फेस पे, तो स्क्रबिंग करना ही आपका एक्सफोलिएटिंग हो जाता है। तो ये एक्सफोलिएटिंग सीरम है। ये काले धब्बों के लिए सुटेबल है। आपके फेस पे जो काले धब्बे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो पिंपल से काले धब्बे हो चुके हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।